नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मात्र 24 घंटे रह गए हैं दोस्तों, सब्र का बांध अब पूरा होने वाला है और एक एक सच सामने आएगा। आज की यह वीडियो समस्त ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों बता दें कि चंद्रमा आप लोगों की राशि पर संचार करने वाला है, तो ऐसे में समस्त ग्रह की चाल का आपके ऊपर अगले 24 घंटे में क्या प्रभाव पड़ेगा, व्यापार, नौकरी और पारिवारिक जीवन यापन के लिए, साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार हैं, क्या सावधानियां हैं, क्या खुशखबरियां हैं, समस्त जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी भक्त अपनी माँ से प्रेम करते हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाइएगा, जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखिएगा दोस्तों, प्रेम से जरूर लिखिएगा दोस्तों। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपको मिले और आपके सारे बिगड़े काम जो हैं वह पूर्ण पुनः बन जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान रखें दोस्तों कि जीवन साथी के साथ में कलह कलेश होगा, इन बातों को समय रहते सुलझा लें तो ठीक रहेगा, वरना दोस्तों आपके संबंधों में गलत फहमियाँ पड़ सकती हैं और कभी कभार दोस्तों आपके मन में कुछ नकारात्मक बदलाव उत्पन्न हो सकते हैं, तथा चचेरे भाइयों से भी संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी तरह की अनबन होने की आशंका लग रही है दोस्तों। बड़े भाई या वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान अवश्य से करें, उन्हें मान सम्मान दें, उन्हें प्यार दें, प्रेम दें और आपस में प्रेम भी बनाकर रखें दोस्तों। पारिवारिक वातावरण जो है वह खुशनुमा रहेगा, लेकिन जीवन साथी की धार्मिक और अत्यधिक कामों में रुचि कम हो सकती है, इस कारण घर का वातावरण कुछ खिन्न रह सकता है। भावुकता में निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। साथ ही दोस्तों आप जो भी काम करेंगे उसे बड़े सोच समझ कर करेंगे, व्यर्थ के खर्चों में अधिकता रहेगी। कभी कभी आपका अधिकार पूर्ण व्यवहार परेशानी का कारण बनेगा, इसीलिए दोस्तों अपने व्यवहार में कुछ लचीलापन बनाकर रखें, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। और आप दिल की अपेक्षा दिमाग से काम लें। आपके आय के साधनों में भी बड़े बदलाव होंगे, आर्थिक गतिविधियों में बदलाव होंगे, लेकिन किसी भी योजना को बनाने से पहले जल्दबाजी ना करके उस पर पूरी तरह से विचार विमर्श अवश्य से कर लें। और दोस्तों किसी नए काम की आप शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो जिस समय आपको बता दें यह काम आपको धीरे धीरे ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की मदद भी आपके लिए सहायक रहेगी, परंतु आपका ईगो और अति आत्मविश्वास आपको समाज से कुछ अलगाव दे सकता है दोस्तों। संतान की भी गतिविधियों व संगति पर नजर रखना अति आवश्यक रहेगा। मित्रों के साथ में संबंध मधुर बनाकर रखें, किसी भी प्रकार की खटास जो है वह मित्रता में बिल्कुल भी ना आने दें और किसी के साथ में भी पार्टनरशिप ना करें दोस्तों। पार्टनर से संबंधित कार्यों में अनबन होने की आशंका अधिक लग रही है, लेबर परेशान कर सकती है और सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए उन्नति के बेहतर योग बने हुए हैं, इसलिए अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। इधर उधर की बातों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान न दें, जीवन साथी से आजाद रहें, ये तनाव रह सकता है। परिवार के साथ दोस्तों खुश मिजाज रहें, आपकी समझदारी स्थिति को संभाल लेगी दोस्तों। व्यर्थ की मित्रता से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसमें नुकसान के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। कभी कभी आपका संकल्प स्वभाव आपके घर और परिवार के लिए चिंता का कारण बन सकता है दोस्तों। ऊपर से अधिक रोक टोक ना करके उन्हें भी कुछ स्वतंत्रता मिलना आवश्यक है। पारिवारिक बिजनेस में उन्नति होगी दोस्तों। किसी प्रकार की यात्रा स्थगित रखें, क्योंकि इससे नुकसान होने की आशंका है। अपनी गतिविधियों को दूसरों के समक्ष बयान ना करें, वरना दोस्तों इसका कोई नाजायज या गलत फायदा उठा सकता है दोस्तों। युवा वर्ग जल्द ही धनी होने की चाह में किसी भी गलत रास्ते का प्रयोग ना करें, अपनी अत्यधिक उम्मीदों पर कुछ ठहराव लेकर आएं तथा धैर्य बनाकर रखें दोस्तों। अपने कार्य को संपन्न करते चलें, क्योंकि कर्म ही आपकी पूजा है दोस्तों। घर में कोई छोटी सी बात को लेकर के बड़ा इशू बन सकता है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें। जीवन साथी का सहयोग आपके कई कार्यों में सहायक रहेगा तथा घर का वातावरण भी अनुशासित और मर्यादित बनाकर रखिएगा। किसी प्रकार की चोट या एक्सीडेंट होने की आशंका लग रही है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और आप किसी भी कार्य को अपने चाणक्य की नीति द्वारा सक्षम करें दोस्तों। आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी बेहतर बनी रहेगी, राजनीति व्यक्तियों के साथ में आपके लिए नई उपलब्धियां प्रदान करेगी दोस्तों। इन संबंधों का भरपूर फायदा उठाना आपके क्षमता पर निर्भर करता है, परंतु दोस्तों
बीती हुई पुरानी बातों से संबंधित कोई मुद्दा दोबारा उठ सकता है, जिसकी वजह से तनाव के अतिरिक्त और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दोस्तों, अपने गुस्सों पर थोड़ा काबू रखें। सहज तरीके से आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट संबंधी व्यवसाय में गति आएगी। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है तो दोस्तों दुखी ना होकर के आप अपने कार्य संबंधित कमियों में सुधार लेकर आएं। घर के बड़े बुजुर्ग व बड़े वरिष्ठ व्यक्तियों का समस्याओं का आपके लिए हल निकालने में काफ़ी सहायता करेगा और पारिवारिक वातावरण भी जो है वह सामान्य रहेगा। घर के सदस्य अपनी अपनी व्यवस्था के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। संतान का नकारात्मक प्रभाव तथा गतिविधियाँ परेशानी का केंद्र बन सकती हैं, इसलिए उन पर नज़र रखना अति आवश्यक है ताकि समय रहते स्थितियां काबू में आ जाएं और आय के साधन बने रहेंगे, परंतु मंद गति से। जी हां दोस्तों, आप लोगों को किसी भी प्रकार की एलर्जी का इंस्पेक्शन की संभावना यदि लग रही है, मौसमी वातावरण से बचाव करें और स्वजनों से बहुत अधिक उम्मीदें रखना उनके लिए थोड़ी परेशानी का केंद्र बन सकता है। दोस्तों बता दें, विवाह संबंधित पारिवारिक जीवन में कुछ हलचल हो सकती है, इसीलिए थोड़े सावधान रहें। दोस्तों, आपको प्रत्येक कार्य को करने से पहले उसका योजनाबद्ध तरीके से विचार विमर्श करना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। विदेश जाने के उत्सुक व्यक्तियों के लिए शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु कभी कभी बहुत अधिक सोच विचार करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हाथ से निकल सकती हैं। दोस्तों, इसलिए उन्हें क्रियान्वित करने में अपना ध्यान केंद्रित करें। दिमाग पर अधिक जोर देने का असर आपके नियत पर भी पड़ सकता है और घर में किसी भी बात को लेकर के तनाव उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, व्यवसाय संबंधित जो बदलाव लाने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें प्रयास करते रहें, आपको केवल और केवल सफलता ही मिलेगी। युवा वर्ग किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्यों में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने ही ऊपर लेना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ दिमाग पर अधिक जोर देने का असर आपके दिमाग पर हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, व्यवसाय संबंधी जो बदलाव लाने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें प्रयासरत रहें, आपको सफलता भी प्राप्त होगी। साथ ही में दोस्तों, आप रोज़मर्रा की दिनचर्या से ऊब कर अपने कलात्मक व खेल को संबंधित रुचियों में समय व्यतीत कर सकते हैं, जिससे आपको आपकी खुशी मिलेगी और एक नई ऊर्जा आपके अंदर आप महसूस करेंगे। अधिकतर समय घर से बाहर व्यतीत होगा तथा दोस्तों आपको बता दें, इस सबके साथ साथ घर की व्यवस्था पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि आपकी लापरवाही बच्चों को भी अपनी पढ़ाई से थोड़ा भटका सकती है और अपने नज़दीकी संबंधियों के साथ में भी संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों, व्यवसाय में आपके संपर्क सूत्रों व मार्केटिंग संबंधी नए अनुबंध प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन साझेदारी से जुड़े हुए काम में अनबन हो सकती है। पति पत्नी दोनों अपने अपने कार्यों में व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। इसका असर घर के वातावरण को भी दूषित कर सकता है। रंगों में भी दोस्तों नाकामयाबी रहेगी। खांसी जुकाम जैसे गला खराब जैसी समस्या रह सकती है। थायराइड की समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, अपने भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास करना आपको उपलब्धियां प्रदान कराएगा, जिससे आपका भाग्य स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, आय के स्रोत आपके लिए प्रशस्त रहेंगे। घर में मौज मस्ती व मनोरंजन बना वातावरण बना रहेगा। घर की सुख सुविधाओं संबंधी प्रस्तुओं की समझदारी भी संभव है। दोस्तों, ये आपके आपको काफ़ी बेहतर रहने वाला है। मामा पक्ष के साथ में भी दोस्तों आपके संबंधों में कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है, अतः संबंधों को खराब होने से बचाना आप ही का दायित्व बनता है। दोस्तों, पब्लिक डेली एवं एजुकेशन से संबंधित व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। आप अपने बौद्धिक सम्बन्धता द्वारा किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम रहेंगे और नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी कार्य की अधिकता के कारण कुछ तनाव रह सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता तो रहेगी, परंतु आप घर और व्यवसाय दोनों में संतुलन बनाकर रखेंगे, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी खुशनुमा बना रहेगा। पितृ संबंधी समस्या जैसे एसिडिटी और गैस आदि रह सकती है। संयमित खान पान तथा दिनचर्या रह सकती है। और दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी आदर्शवादी तथा मर्यादापूर्ण स्वभाव समाज में आपका मान सम्मान बनाकर रखेगा। आपका ध्यान अध्यात्म संबंधी किसी बात को गहराई में जानने के लिए उत्सुक रहेगा और इससे आप लोगों को आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। बीती पुरानी बातों से संबंधित कोई मुद्दा दोबारा उठ सकता है और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वर्तमान बिजनेस संबंधी कुछ नया करने की योजनाएं बन रही हैं, तो उस पर कार्यान्वित होने की आवश्यकता रहने वाली है।
आपके स्वास्थ्य को कुछ चीज़ें खराब कर सकती हैं, लापरवाही ना करें, इससे आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है। इसलिए आपको बता दें दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अच्छे दोस्तों को बुलाएं जो आपसे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हैं, जो आपसे मित्रों अच्छे से पेश आते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में बुलाएं, ताकि दोस्तों पार्टी में ये लोग आकर के चांद चांद लगा सकें, जो आपके उत्साह को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताज़ा करने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, जो लोग बीते कुछ दिनों से काफ़ी व्यस्त थे, वह आपकी ज़िंदगी से पीछे छूट गए थे, उनसे मिलने का मौका आपको दोबारा मिल सकता है और दोस्तों उन्हें अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी महज एक समझौते का नाम है? अगर हाँ, तो आप हकीकत महसूस कर सकते हैं और जानेंगे कि ये जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। आपको अपने जीवन में किसी खास इंसान की कमी खल सकती है। दोस्तों, खास इंसान की कमी कोई और पूरा नहीं करेगा, बल्कि आपको स्वयं को ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि जीवन में हमें जो चीज़ चाहिए वह ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मिले। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे बड़े चमत्कारी एवं महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जो आपके जीवन में आपको करना पड़ेगा। दोस्तों बता दें कि एक कपूर ऊर्जा को एकत्रित करता है और जब आप इसे एक ऊंचे स्थान पर रखेंगे तो दोस्तों बता दें कि आपके घर में चित्रकूट दर्शन आपको हो सकते हैं और आपके घर घर में किसी भी तरह के शुभ कार्य को पूरा करने में सहायक करेगा। इसलिए दोस्तों आप ऐसा उपाय अवश्य करिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, दान करना शुभ माना जाता है, शारीरिक कष्टों से भी आपको काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। आमतौर पर महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुखमय बने रहने के लिए भी यह व्रत करती हैं। दोस्तों बता दें, सोमवार का व्रत कर सकते हैं आप। शुक्रवार के उपाय करने से दोस्तों कुंडली में शुक्र ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हालांकि दोस्तों, उपाय करने से पहले आपको अच्छे से स्नान दान धर्म करना है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। स्पष्टवादी बने रहे, माता या फिर पिता की सेहत पर आपको बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। दूसरों के साथ में खुशियां बांटने से सेहत और भी खिलेगी और दोस्तों जीवन में आपको भी अच्छा लगेगा, सुखी सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि दोस्तों भगवान भी कहते हैं कि जो आप दोगे वही लौट कर आएगा। इसीलिए दोस्तों, दूसरों के साथ में खुशियां बांटने का प्रयास अधिक से अधिक करें। यदि आप किसी से उधार वापस मांग रहे थे तो अब तक वह आपकी बात को टाल रहा था, तो आप देखेंगे कि आज बिना बोले ही वह व्यक्ति आपको पैसा लौटा सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया होगी कि आप इन पैसों को आसानी से दूसरी जगह निवेश कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का 24 घंटे का महाराशिफल आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर प्रकार की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।